प्रदूषण प्रमाण पत्र बोलते हैं। प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं रखने पे आपसे जानते हैं 10,000 रुपए फाइन सरकार करेगी। पहले 2 साल पहले 2,000 रुपए फाइन था, अब उसको 10,000 कर दिया है। आपकी गाड़ी पुरानी है, 10,000-20,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, फाइन आप 15,000-10,000 रुपए दीजिएगा तो क्या होगा, छोड़ दीजिएगा वाहन को, 80-90 रुपए में बंदी हो, पेपर बनवा लीजिए 6 महीना 7 महीना का, आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेपर इसलिए बनता है कि आपकी पेट्रोल गाड़ी में जो हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जो छोड़ती है उसका स्टैंडर्ड क्या है, सरकार सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टैंडर्ड बांध दिया कि इतना हाइड्रोकार्बन और इतना कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो अगर उसे अधिक मिल रहा है स्टैंडर्ड से तो आपके वाहन चलाने लायक नहीं है, प्रदूषित है, वातावरण में प्रदूषित फैलाएगा, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दोनों में बनते हैं। तो निजी वाहन में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कार्ड, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस रखना है, क्लियर। कॉमर्शियल में ये 4 पेपर रहेगा, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण और इंश्योरेंस के अलावा 3 और पेपर, फिटनेस, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसे हम लोग बनवाते हैं ना स्कूल में, अगर हम एब्सेंट कर दिए तो पढ़ाचार क्या होता है, कहेंगे भाई आप कहाँ थे, तो सर बीमार थे, ठीक है सर्टिफिकेट लाओ तुम्हारा क्या है बीमारी का, या फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दो, ये होता है ना। तो उसी तरह वाहनों का फिटनेस होता है, उसमें स्टैंडर्ड जांचते हैं MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इसका पॉल्यूशन सही है कि नहीं है, इसका लाइटिंग सिस्टम ठीक है कि नहीं है, इसमें बैठने वाला जगह जो है सीट बनाया वो सही है कि नहीं है, गाड़ी के शीशा लाइट्स जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, पूरा डैशबोर्ड चेक करते हैं, टायर का परिसर, टायर की दशा।